बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारी ग्रैंड इफ्तारी। तो आज की इफ्तारी में हम काफ़ी सारे रिलेटिव्स को बुला रहे हैं और इफ्तारी के लिए, तो आइए देखते हैं कि हम आज की इफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएँगे चिकन, और चिकन की तैयारी के लिए चीज़ें जो हैं वो मैंने इकट्ठी कर ली हैं और अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं। प्याज जो है वो हम दरमियाने साइज़ का रख के काट लेंगे, क्योंकि बड़ी रेसिपी है, इसमें प्याज जो है वो गल जाएगा। ये प्याज हमने काट ली है। अभी हम सब्ज़ मिर्च को काट लेते हैं। सब्ज़ मिर्च जो है वो भी हम बड़ी बड़ी रख के काट लेंगे। ये सब्ज़ मिर्च भी हमने काट ली है। अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। अदरक हम काट लेंगे छोटा छोटा, और लहसुन जो है इसको साबुत ही ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर काट लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं। प्याज डाल लेते हैं। ये प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, खुश मसाला जार डाल लेते हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, ये मसाला हमारा नरम हो गया। अभी हम इसमें चिकन डाल लेते हैं। अभी हम चिकन को भून लेते हैं। ये चिकन हमारा भुन गया और चिकन ने घी जो है वो छोड़ दिया। अभी हम इसमें शोरबे के लिहाज से पानी डाल लेते हैं। जितना हमने इसका शोरबा बना रहा है उतना पानी डाल लेंगे। अभी हम देगचे के ऊपर से डांप देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो भी पक जाए।
ये चिकन को डंप कर पकाते हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें सब्ज धनिया डाल लेते हैं, गरम मसाला डाल लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच जो हम कुछ धनिया डाल लेंगे, तो माशाल्लाह ये हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अभी हम इसको ऊपर से 10 मिनट के लिए डांप देते हैं ताकि गरम मसाला, सब्ज़ धनिया और खुश धनिया की खुशबू जो है वो हांडिया में अच्छी तरह शामिल हो जाए। तो ये चिकन को डांप कर पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और चिकन भी बड़ा ज़बरदस्त पक गया। अभी हम खरबूजा और तरबूज काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये तरबूज हमने काट लिया और अभी हम खरबूजा काट लेते हैं। अभी हम शरबत बना लेते हैं। और अभी हम इसमें शरबत डाल लेते हैं। शरबत हम इसमें इलायची वाला डालेंगे। दूध डाल लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हल कर लेंगे। ये शरबत हमारा तैयार हो गया और अभी हम इसमें बर्फ़ डाल लेते हैं। इसी के साथ मुबारक अली को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।